वांटेड फेस रिवील मिथपैट। अरे ये तो वही गेमिंग वाला यूट्यूबर है ना? क्या? अहिला सिक्स डायमंड्स का ये नाम? सिक्स डायमंड्स ढूंढने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ पे तो इसके थोबड़े के लिए मिल रहे। लेकिन इसको ढूंढू कहाँ? शक्ल से तो घोड़ा लग रहा है। सोचो साइमन सोचो, अगर इंसान को ढूंढने के लिए इंसान को पूछना पड़ता है तो घोड़े को ढूंढने के लिए। घोड़ा भाई, आपने इसको किधर देखा है? हाँ? उधर। ओके, थैंक यू। उस घोड़े ने तो यहीं पे कहीं पे तो है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? वहां पर भी है, वहां पर भी है। इसके आगे तो कहीं दिख नहीं रहा, खत्म हो गए लगता है। अब क्या करूं? ओ भाई, क्या क्या चाहिए क्या आपको? मैं आपको जानता हूँ क्या? हाँ? एक मिनट। भाई साहब, ये आप ही हो ना? वांटेड मिथपैट फेस रिवील। आई लाइए मेरा फेस रिवील करने को है। टाइम प्लीज। क्या भाई, क्या तूने एवेंजर्स देखी है? क्यों जरा मेरा हाथ तो देख ले। है ना बीबी? नहीं कर पाया वो मेरा फेस रिवील। मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए लेकिन अभी भी कोई मेरा फेस रिवील नहीं कर पाया। कहते हैं ना, मिथपैट का फेस रिवील करना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। तुम लोगों को क्या लगा कि मेरी पुरानी वीडियोस में वो मेरा फेस है? ना 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 ना। अरे ध्यान से तो देखो। ये हाथ में फिट नहीं हो रहा। एक मिनट। अबे इस हाथ में कुछ पकड़ सकते कि नहीं? किधर से लाए रे ये? चुटकी मार सकता लेकिन मोबाइल नहीं पकड़ सकता। पकड़ रे। हो गया। ये वाला जो फेस है ये मेरा फेस नहीं है। ठीक से देखो, ये है ऋतिक रोशन, ये है फरहान अख्तर, ये है सलमान खान, ये है अमिताभ बच्चन, लेकिन मिथपैट कहाँ है? मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। क्या अइला, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स थे? 2,50,000 कैसे हो गए? आधे? अइला ऐसा कैसे हो गया? सोचो। ओह, शायद मैंने जब चुटकी मारी थी तब शायद आधे सब्सक्राइबर्स गायब हो गए। ऐसे कैसे किया मैंने? नहीं, मेरे को थानोस वगैरह कुछ नहीं बनना। मैं फेस रिवील कर रहा हूँ।
तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? आज के इस वीडियो पे हो गया मेरा फाइनली फेस रिवील। ये असली फेस है, देखो ये कोई मास्क नहीं है। तो हाँ, सच बताओ, मस्त हुआ ना मेरा फेस रिवील? मैंने 6 महीने पहले इसकी प्लानिंग की थी। सीरियसली, जो थानोस और घोड़े का मास्क है ना, वो मैंने चाइना से मंगाया था। दोनों को आने को 1-1 महीना लगा। ऊपर से ये खटारा हाथ, इसको भी आने को 1 महीना लगा, और थानोस का सादा डोसा बन गया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू साइमन, उसने जो एक्टिंग की है ना भाई वीडियो में, आहा, उसके बिना ये वीडियो इतना मजेदार नहीं होता। और जिस बंदे ने इस वीडियो को शूट किया है उसका नाम है अमन, और सच्ची बताओ जैसे मुझे चाहिए था ना, सेम टू सेम उसने वैसे शूट किया है। हम लोगों ने 3 घंटा धूप में ये शूट किया, पर मजा बहुत आया। तो आज के वीडियो को बहुत मेहनत लगी है, तो 1 लाइक तो दे दो। वैसे तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फेस रिवील करने को इतना टाइम क्यों लिया। मैंने कहा था कि मैं 500K के बाद फेस रिवील करूंगा, और अभी हम 6 लाख पहुंचने वाले हैं, शायद आज ही पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर दो। तो हमने जब ये वीडियो शूट किया तब मैं 5 लाख पे था, पर फिर एक बहुत बुरी चीज हो गई। ये दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम, अब दिख रहा है और थोड़ा जूम। जी हाँ, यही प्राणी आ गया था मेरे मुंह के ऊपर। मुझे लगा कि 10 दिन में वगैरह जाएगा, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे लगा 5,50,000 के बाद जाएगा, फिर भी नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, ये जब ही जाएगा तभी जाएगा, मैं 1 मिलियन तक तो रुक नहीं सकता। तो हाँ, वैसे 1 मिलियन भी बहुत दूर नहीं है अभी। आजकल हम लोग जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं ना, तुम लोग इतना कड़क सपोर्ट दिखा रहे हो मुझे। तुम लोग हर वीडियो को इतने ज्यादा लाइक्स देते रहते हो, हर वीडियो के नीचे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहते हो, तो वो सब कमेंट्स और लाइक्स देख के बहुत मजा आता है। और सच बताने जाओ तो मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं हर कमेंट पढ़ नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, कमेंट सेक्शन में लिखना मत ए मिथपैट तो जादू जैसा दिखता है, और हाँ, यही सपोर्ट दिखाते रहना, और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। मुझे मालूम है कि मैं कम पोस्ट करता हूँ, हर 5 दिन में 1 वीडियो आई थिंक, लेकिन जो भी वीडियो बनाता हूँ मस्त बनाता हूँ, फिर ही मुझे मजा आता है। इसलिए मुझे फेस रिवील का वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे अब तक का सबसे बेस्ट फेस रिवील करना था, और शायद मैंने किया। तुम लोग ही बताओ यार, साइमन और अमन नहीं होते तो ये वीडियो इतना अच्छा नहीं बनता। मैं कब से बकबक कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरा नाम ही नहीं बोला। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मिथिलेश पाटनकर, मेरी उम्र है 21 साल। वैसे मैं रहता हूँ मुंबई में, लेकिन कभी कभी आप लोगों के दिल में भी। और क्या बताऊँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, अभी 4-5 महीने पहले खत्म हो गई मेरी इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के वक्त ही मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा सपोर्ट आएगा, वरना मैं अभी कोई इंजीनियरिंग का जॉब करता, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को मस्त सपोर्ट दिखाया भाई, और आज मुझे मजा आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ उसमें। मुझे ऐसा एक्टिंग करना या फिर परफॉर्म करना बहुत पसंद है, मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ, वो तो आप सबको मालूम है। मेरे अंदर से ऐसे आवाजें आती रहती है, और हाँ बस उतना ही, और कुछ वैसे बताने जैसा नहीं है। अच्छा लग रहा है फेस रिवील करके, आज से मैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस बना सकता हूँ। जल्दी आएंगे वीडियोस, रोज तो नहीं आएंगे, हफ्ते में एक नहीं, मैं ट्राई करूंगा, जितना फास्ट वीडियोस बना सकता हूँ उतना फास्ट बनाऊंगा, पर मेरा एक प्रॉमिस है, जो भी वीडियो आएगी ना मस्ती होगी। तो हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर दो, अभी से मैं वहां पे मस्त मस्त फोटोज डालने वाला हूँ मास्क के बिना। और हाँ, साइमन से बहुत मस्त बंदा है, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। और अमन, जिसके चैनल का नाम है फुटप्रिंट्स, वो सीरियसली बहुत मस्त व्लॉग्स बनाता है, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। उसकी एडिटिंग तो मुझसे भी अच्छी है, तो उसके व्लॉग्स देखना, क्योंकि हमने जो भी ये शूट किया ना 3 घंटे का, उसने उसका पूरा व्लॉग बना दिया है, और वो उसके चैनल पे आ गया होगा, तो इस वीडियो के बाद वो देखना, और उसको भी सब्सक्राइब कर देना, उसको दिखाना यार पैटीज की शक्ति। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही, तो जल्दी से जल्दी जाके दोनों को सब्सक्राइब कर देना, और और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बचा बचा। बाय बाय।